मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से LNJP अस्पताल में 1500 बेड के मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक की आज आधारशिला रखी। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2.5 साल के अंदर 1500 बेड जुड़ने के बाद LNJP 3800 बेड का हो जाएगा, जो अत्याधुनिक डिजाइन और आधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी सुविधाओं से युक्त 1500 बेड बनाने में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च आने की उम्मीद है। हम अपने सभी प्रोजेक्ट समय से पूरा करने के साथ ही पैसे भी बचा रहे हैं, जबकि अन्य राज्य सरकारों के प्रोजेक्ट पूरे होने में 10-10 साल लग जाते हैं। 200 करोड़ का बजट है तो बढ़कर 1000 करोड़ का हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान वाहन प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने दिल्ली के सभी लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि CM का सपना दिल्ली को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने का है और LNJP अस्पताल का इस दिशा में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पूरी तरह से वातानुकूलित मेडिकल ब्लॉक में एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा दी जाएगी। ये है DID में खबरें, अब तक इंतजार कीजिए शाम तक।